अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कॉस्मेटिक बैग सामने रख के बैठी हुई हूँ तो क्यों बैठी हुई हूँ। तो इसकी वजह ये है कि मैंने कुछ मेकअप परचेज़ किया है। मेरी मेड है, उनकी शादी होने वाली है, तो उसके लिए मैंने कुछ मेकअप परचेज़ किया है। तो आज मैं आप लोगों को वो मेकअप दिखाऊंगी। और एक बात, ये मेकअप जो है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू मेकअप है, ये पुराना मेकअप, इसमें एक चीज़ भी पुरानी नहीं है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं मैंने क्या क्या मेकअप परचेज़ किया है तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलें जब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है बॉक्स इस तरह का है, दो कंपार्टमेंट्स हैं इसके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लिस्ट दिखा दूं कि आप लोग देख सकते हैं कि ये लिस्ट जो है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये मेकअप जो है ये नया है। कुछ लोग मुझे पता है कमेंट में ये भी कहेंगे कि आपने पुराना मेकअप दे दिया है, आपने वो मेकअप दिया है खुद जो आप यूज़ नहीं करती, आप खुद तो ऐसा यूज़ नहीं करती। तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करें, ना कि उसमें कीड़े निकालें। हमारी पाकिस्तानी आवाम का है ये कि हम लोग कीड़े निकालते हैं। तो वीडियो को खुले दिल से देखिएगा। चले जब हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह है ये, आप इसको कैरी कर सकते हैं। और मेरी जो मेड है वो गांव में रहती हैं और बिल्कुल वो छोटी सी बच्ची ही है अभी, उसके लिए लिया है मैंने। तो ये ओपन हो गया एक। इसके बाद ये एक मैंने लिया है उसके लिए ज्वेलरी सेट, बहुत प्यारा सा है। इसमें गोल्डन कलर है, ग्रीन है, रेड है, और इसके सेट है, इयररिंग्स हैं और बिंदिया है। ये हो गया। उसके बाद ये मैंने लिया है स्वीट टच का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये मैंने लिया है मेरी सिस्टर के लिए, ये मैंने उनको भिजवाना है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ली है एक ब्लीच हल्दी, और इसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा। खैर मैं तो कभी मैंने ये ऐसे पैक्स यूज़ नहीं किए, लेकिन अब वो गांव में रहती हैं और वहाँ कोई पार्लर है नहीं, तो वो बेचारी फिर घर में कर लेगी, इसलिए फिर मैंने ये ले लिया है। फिर मैंने एक मेहंदी ली है जो कि बहुत ज़रूरी है। बस अभी इसमें जो है वो यही है। ये हो गया पहला पार्ट कंप्लीट, मैंने दूसरा पार्ट भी ओपन कर लिया है। तो इस तरह है, बहुत प्यारा, ये गोल्डन, बहुत मज़बूत है ये बैग। कोई मैंने घटिया क्वालिटी की, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो आपको घटिया क्वालिटी की नहीं मिलेगी। तो अब मैं आप लोगों को बारी बारी एक चीज़ दिखाती जाती हूँ, एक एक चीज़। तो पहले मैंने लिया है, क्योंकि आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो ये ओलिविया का मॉइस्चराइजिंग क्लिंजिंग मिल्क लोशन, यानी कि जिसे कह लें, ये लिया है मैंने। मैं खुद भी ये यूज़ करती रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एक मैंने लिया है ये बॉडी स्प्रे, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो एक ये हो गया। देन मैंने एक लिया है काजल, आपको पता है हाशमी काजल। वैसे मैंने हाशमी काजल ये वाला कभी यूज़ नहीं किया, मैं इसका दूसरे वाला हाशमी काजल यूज़ करती हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये किसी ने यूज़ किया तो मुझे बताइएगा कि ये बेहतर है कि वो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद एक मैंने फेस वॉश लिया है, फेयर एंड लवली का बड़े वाला। देन वी हैव दिस कॉम्पैक्ट पाउडर बाय लॉरियल, मुझे पता है ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अब आप लोग देखिएगा कि इसमें आपको थोड़े थोड़े ग्लिटर नज़र आएगी। तो ये जो है ये ग्लिटर वाला पार्ट है। उसके बाद जब आप इसको ओपन करते हैं दोबारा, तो ये जो है ये सिंपल वाला है। देन हमारे पास इसका स्पंज है, ये हो गया। इसमें मैं एक चीज़ लेना भूल भी गई हूँ जो कि मुझे अब याद आ रही है। उसके बाद एक है ये लाइनर, आईलाइनर, ये भी मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं आप लोगों को लगा के भी दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा ब्लैक है, बहुत ज़्यादा फाइन टिप है इसकी। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है एक मस्कारा, और ये मस्कारा है किस ब्यूटी का वॉल्यूम मस्कारा, और बेस्ट है। मैंने इसको एक लैश पे अपनी अप्लाई किया कि देखूं ये सही है भी सही कि नहीं, तो ये बेस्ट है।
आपकी जो लैशेस को है वॉल्यूम देता है। अगर कोई लेना चाहे तो मैं उसे रिकमेंड करूँगी कि आप डेली यूज़ के लिए ये जो है ले सकते हैं। ये हो गया। देन हमारे पास एक फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम है। ये इसलिए ली क्योंकि मैंने अपनी मेड से पूछा था कि तुम्हें कौन सी क्रीम चाहिए, तो उसने कहा था मुझे फेयर एंड लवली लेके देना। तो ये है फेयर एंड लवली की एक बीबी क्रीम। उसके बाद हमारे पास यहाँ ब्लश ऑन है, ये तीन ब्लश हैं और ये एज अ हाइलाइटर भी यूज़ हो जाएंगे। देन मैंने ली हैं ये ब्लैक पेंस, आपको पता कितनी ज़रूरत होती है इसकी, एक कंघा। देन मैंने लिए हैं, लिया है ये मिरर, नेल पॉलिश रिमूवर, सेफ्टी पिंस, उसके बाद ये दो लिए हैं मैंने कलर नेल पॉलिशेस के, एक रेड लिया है और एक पिंक लिया है। और अब जो है वो मैंने लिए हैं ये मैं इसके अंदर रख देती हूँ। अब जो है वो मैंने लिए हैं ये तीन कलर, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो एक जो है वो ये रेड कलर है, बहुत प्यारा रेड, बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड। उसके बाद एक मैंने लिया है ये पिंक कलर, उसके बाद एक है ये ऑरेंज कलर। ये तीन कलर मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये बेसिक कलर्स हैं और रेड ऑरेंज और पिंक, तो वो ये इजीली यूज़ कर सकेगी अपने हर ड्रेस के साथ। और नेल पॉलिशेस भी मैंने रेड और पिंक इसलिए लिए हैं क्योंकि वो अपने ड्रेस के साथ जो है ना ये इजीली यूज़ कर सकेगी। ठीक है, ये थी वो सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं और मैंने उसके लिए ड्रेस भी लिया है जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी रुकें। तो ये देख लें, ये मैंने उसके लिए एक ड्रेस भी लिया है, बहुत प्यारा सी ग्रीन सा कलर है, उस पर इस तरह के स्टोन्स लगे हुए हैं, ये गला पूरा एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस पर। तो ये मैंने उसके लिए एक ड्रेस लिया है। तो ये थी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं कि मैंने उसके लिए ली थी। बस अब दुआ करिएगा आप लोग भी कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करें, वो हमेशा अपने घर में खुश रहे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और एक बात, इसमें एक चीज़ नहीं है और वो है आई शेडो किट, वो मैं बिल्कुल मेरे जहन से स्किप हो गया और वो मैं लेना भूल गया। अब हम जाएंगे तो फिर मैं ना उसके लिए लूँगी रास्ते से। चलें जी, ठीक है, अब वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।